जय राधा माधव कुंज विहारी जय जय राधा माधव कुंज विहार जन बल्लवा गिरिवर धारी गोपी जन बल्लवा गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत
गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। सब लोग जोर से और प्रेम से जय बोलो और राधा गोविंद जी के आगे सर झुका लो। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्रचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्र सचरी साक्षात वैराग्य मूर्ति श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्र सचरी सच्चिदानंद ठाकुर शिला भक्ति विनोद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्र सचरी साक्षात वैराग्य मूर्ति श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्र सचरी वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्र सचरी श्रीमचरा रूप गोस्वामी श्रील सनातन गोस्वामी श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी श्रील जीव गोस्वामी श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंडगिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद इस्कान नोएडा की जय। श्री श्री गौरनिताय पंचतत्व की जय। श्री श्री नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि। निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामायं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्री गुरु श्री युतपद कमलं श्री गुरुं वैष्णवां च श्री रूपं सागर जातं सागना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं
राधा कृष्णा पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितंस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपी का कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधु भयव पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी मिलकर सारे बोलो जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा सारे बोलो हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी जिनामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार ने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे समस्त देश तारणे। धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं बालकों बालिकाओं मेरी अपनी ही प्यारी आत्माओं आप सबका अभिनंदन स्वागत। आप आज पधारे हैं मंदिर में राधा गोविंद जी के मंदिर में। आज बहुत शुभ दिन है, आज नित्यानंद त्रयोदशी। आज के दिन कली पावन अवतार भगवान बलराम कृष्ण के बड़े भाई कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया दाऊ भैया आज के दिन नित्यानंद के रूप में एकाचक्र ग्राम में प्रकट हुए थे। मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है? शब्द ठीक समझ आ रहे हैं? आवाज फट तो नहीं रही ना? तो आज बहुत शुभ दिन है। आज के दिन पतित पावन नित्यानंद भगवान इस धरातल पर प्रकट हुए थे एकाचक्र ग्राम जो बंगाल में है। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं आपने कुछ शब्द बोलने हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु बोलो चतुर नाम बपू एक इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। भक्त भगवान के भक्त प्रभुपाद जी भगवंत भगवान गुरु ये भक्त भक्ति भक्ति माता का भी स्वरूप है। भक्त भक्ति भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए चार नाम हैं पर एक ही स्वरूप हैं। इनका चिंतन करने से इनके चरणों में वंदना करने से अनेकों विघ्नों का विनाश होता है। नजदीक अरे आवाज फट रही है। वो बोल रहे थे मुझे कुछ नहीं समझ आया। मेरे पीछे पास खड़े होकर जो बोले माइक नज़दीक थी इसलिए माइक थोड़ी मैंने दूर रखी है। अभी पीछे आवाज आ रही है आगे आ रही है
तो प्रिय बंधुओं व माताओं, बड़े प्रेम से एक बार फिर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो आप कृपा करके जो प्रभुपाद कृपा से मैं कहूँगा आपको, उसको ध्यान से सुनिए। ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात ये ध्यान में लाओ, ये मनुष्य शरीर हमको केवल एक काम के लिए मिला हुआ है। वो क्या काम है जानते हो? भगवत प्राप्ति करना, इस शरीर के द्वारा भगवत प्राप्ति करना। बाकी खाने पीने सोने का काम पशु पक्षी भी करते हैं। हम खाते हैं, पशु खाते हैं। हम सोते हैं, पशु सोते हैं। हमारे बच्चे हैं, पशुओं के बच्चे हैं। हम पर कोई आक्रमण करे, हम अपना बचाव करते हैं। पशुओं पर भी आक्रमण करो तो वो भी अपना बचाव करते हैं। अंतर क्या है? हम धर्म का पालन कर सकते हैं। धर्म क्या है? भगवान के नियम। मनुष्य शरीर में आकर के अगर हमने भगवान के नियमों का, धर्म का पालन नहीं किया तो हम पर पशु के समान हैं। तो भगवत प्राप्ति के लिए आज के दिन जो नित्यानंद भगवान प्रकट हुए हैं प्रभुपाद कृपा से, इनकी बड़ी आवश्यकता है। हमारे भक्ति में विघ्न क्या आते हैं? नरोत्तम ठाकुर एक भजन में कह रहे हैं, आर कबे निताए चांद करुणा हईवे संसार वासना मोरे कबे तुच्छ हईवे। नित्यानंद भगवान मेरे पर कब कृपा करेंगे? मेरे मन में जो विषय वासना है, याद रखो हम सब लोग विषय वासनाओं से भरे पड़े हैं। ये विषय वासनाएं नरक का द्वार है जो हमारे ध्यान में नहीं है। कैसे हमारे ध्यान में नहीं है? जैसे बच्चे में बचपना है और उसको ध्यान नहीं है कि उसके लिए पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। बच्चा सोचता है खेलना बड़ा ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी नहीं है। इसी प्रकार हम ये सोचते हैं कि विषयों को भोगना, संसार में नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाना, पैसा बनाना, ये बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है। संसार में हम कुछ भी करेंगे ना, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, सबको यहीं छोड़ना पड़ेगा। तो भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ा जो अविरोध है, सबसे बड़ा जो रोड़ा है, वो है विषय वासनाएं। तो नित्यानंद जो बलराम जी के अवतार हैं, वो आदि गुरु हैं, वो कृष्ण के देने वाले हैं ये। तो नरोत्तम ठाकुर इनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि मेरे पर नित्यानंद भगवान कब कृपा करेंगे और मेरे मन में जो विषय वासनाएं हैं वो समाप्त होंगी। तो आओ ये भजन आपको सुनाते हैं हम, ध्यान से सुनो। गौरंगा बलिते हवे पुलक शरी गौरंग हरी हरी बलिते नयने भवेनी आर कबे निताय चांद करुणा होइबे आ संसार वासना मोरे कबे तुच्छ हईबे
शैया छाड़िया कबे शुद्ध कबे मना कबे गमा है रब श्री वृंदावन रूप रघुनाथ पदे है बेआकुति रूप रघुनाथ पद कवे हम भूजिबो सही युगल परीति रूप रघुनाथ पदे राघु मोरा आ प्रार्थना करिए सदा नरोत्तम दान गौरंगा बोलते हवे पुलक शरीर गौरंगा हरी हरी बोलते नयने भवेनी अभी अपनी रचना को पवित्र करने के लिए मैं बोलूंगा गौरंग आपने बोलना है नित्यानंद मैं बोलूंगा नित्यानंद तो आपने बोलना है गौरंग गौरंगा 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 नित्यानंदा 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 गौरंगा 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 नित्यानंदा भगवान की ये अपने पास नहीं रखने की मुझे दे देनी है यहां इस भजन में शुद्ध भक्त भगवान के नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं वो दिन कब आएगा गौरंगा वलित हवे पुलक शरीर देखो हम जब भक्ति में वृद्धि करते हैं तो कुछ संकेत आते हैं शरीर में हरी हरी वलित नयन भवे नीर मैं जब भगवान का नाम लूंगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम मेरी आंखों में आंसू बहने लग हरी हरी बलिते नाया ने भवे नीर ये संकेत है देखो अभी हमारा हृदय पत्थर है पत्थर हृदय कैसे हो गया विषयों का चिंतन करने के कारण स्त्री पुरुष का चिंतन कर रही है पुरुष स्त्री का चिंतन कर रहा है इसी में बस मेरा मन घूम रहा है याद रखो ये सब नर्क का द्वार है एक दूसरे भजन में कहा है कि आर कभी निताय चांद करुणा होइवे संसार वासना मोरे कभी तुच होइवे ये जो दो भगवान निताय गौर चंद्र सब अवतार सारे शिरोमणि केवल आनंद कन भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी लोचनदास महाराज कहते हैं हमारे एक बहुत महान आचार्य बड़े प्रेम से बोलो लोचनदास ठाकुर जी महाराज की भजो भजो भाई चैतन्य निताई मेरे भाइयों
चैतन्य निताई का भजन करो, बड़े विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, सुदृढ़ विश्वास करी। तो कैसे? एक शर्त है, विषय अछाड़िया, विषय विकारों को छोड़ करके, विषय अछाड़िया सही रसमाजिया, मुखे भूलो हरी हरी। देखो महामंत्र तो हम जपते हैं लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं आता, क्यों? हमारा मन विषयों के चिंतन के कारण बड़ा गंदा हो चुका है। याद रखो, भगवान को पाने के लिए इस मन को शुद्ध करना होगा, और मन की शुद्धि प्रभुपाद कृपा से और फिर नित्यानंद भगवान की कृपा से। नित्यानंद जो बलराम के अवतार हैं, वो परम गुरु हैं, वो कृष्ण के देने वाले हैं, चैतन्य महाप्रभु के देने वाले हैं। तो विषय विकारों का त्याग करना पड़ेगा। ये विषय विकार जो हैं, ये तो पशु पक्षी योनियों में भी हमने भोगे। क्या पशु पक्षियों में नर्मदा नहीं है? अभी पशु पक्षियों में तो भेदभाव ही कोई नहीं है, कुत्ता बिल्ली सुअर, इनके लिए माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी, बेटी भी पत्नी, ये पशुओं का जीवन है। लेकिन मनुष्य शरीर में ये नहीं चाहिए। हमें नरोत्तम ठाकुर सिखा रहे हैं कि नित्यानंद भगवान मेरे पर कब कृपा करेंगे, आर कभी निताय चांद करुणा होई वे, संसार वासना मोरे कभी तुच्छ होइगे। आज कृपया याद रखो, आज नित्यानंद जी महाराज, नित्यानंद भगवान हैं, वो बलराम जी का रूप है, बलराम है स्वयं प्रकट हुए हैं, उनसे यही प्रार्थना करनी है। शब्द याद रखने हैं आपने, मेरे पीछे बोलो, आर कभी निताय चांद करुणा होई वे, संसार वासना मोरे कवे तुच्छ होई वे। ये जो विषय वासना मेरे लिए समाप्त कब होंगी? फिर कहा उन्होंने, विषैया छाड़िया कवे शुद्ध हवे मना। ये मेरे मन, तू विषय विकारों का त्याग कब करेगा और शुद्ध हो जाएगा, तभी तू वृंदावन में कवे हमा हेल श्री वृंदावन, तब तू वृंदावन में प्रवेश करने के योग्य बनेगा। आज वृंदावन में लोग जाते हैं मनोरंजन के लिए, नहीं, वहाँ भक्ति बढ़ाने के लिए जाना है। एक बात याद रखो, एक बड़ा सुंदर दोहा का है, उसको याद रखना आपने, मेरे पीछे बोलो, याद रखना और पीछे भी बोलना है। दो बातन को भूल मत, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण नारायण एक मौत को, नारायण दूजे श्री भगवान। अगर अपना कल्याण चाहिए तो दो बातों को नहीं भूलना। वो कौन कौन सी बात? पहली बात मृत्यु। एक नास्तिक आदमी को मृत्यु को मानना पड़ता है। देखो हम सब ने जाना है संसार से, पहली बात मौत को कभी नहीं भूलना। हम पाप कर्म क्यों करते हैं? विषयों का सेवन करने के कारण मन मलिन हो जाता है और फिर मन पाप करने में लग जाता है। मृत्यु को नहीं भूलना और दूसरे गोविंद भगवान को नहीं भूलना, ये याद रखना। अभी देखो संसार में हम लोग खो गए हैं, विषय विकारों में, भोग विलास में, मोह माया में हम खो गए हैं। और होता क्या है, अकस्मात मृत्यु आ जाती है। मृत्यु जब आ जाती है, तैयारी तो कुछ की थी नहीं, हम घबरा जाते हैं और फिर इधर उधर की मारते हैं, लेकिन यमदूत पकड़ के ले जाते हैं। संदेश ये है कि गीता में भगवान ने 8वें अध्याय में कहा है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम
या प्रयाति स मदभावम याति निसत यत्र संशया। अंत काल में जो मेरा नाम लेता है, भगवान कहते हैं, वो निश्चित रूप से मेरे भाव को प्राप्त होता है। हमने भगवत प्राप्ति करनी है, याद रखो। नित्यानंद कृपा से, प्रभुपाद कृपा से आज ये आप संदेश लेके जाओ। और भगवत प्राप्ति बातें करने से नहीं होगी, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या? अपनी भावना का परिवर्तन करना पड़ेगा। और भावना का परिवर्तन कैसे होगा? गौर नित्या ने क्या सिखाया? चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक कहे। पहला श्लोक क्या कहा? शिष्टाष्टक में, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावगनि निर्वापनम श्रया के रिवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मा सनापनम परम भजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। पहली बात, नित्यानंद भगवान के छोटे भाई चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, उन्होंने क्या कहा? हमने अपने शिष्य रूपी हृदय को शुद्ध करना है। चेतो दर्पण, शीशे पर धूल जम जाए तो अपना मुंह दिखाई देगा? दिखाई देगा मुंह? बोलते ही नहीं। यहां नोएडा में दिखाई देता होगा? पूछता हूं तो जवाब तो दिया करो। नहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार हमारे शीशे रूपी हृदय पर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मस्तर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये धूल जम गई है। और हमें ये नहीं समझ आ रहा मैं ये शरीर हूं या जीवात्मा हूं। तो नित्यानंद भगवान की कृपा से हमारा जो मन विषय विकारों में लगा है, इनसे आज के दिन प्रार्थना करनी है। आर कभी निताय चांद करुणा होइबे संसार वासना मोरे कभी तुच्छ होइबे। मेरे पर नित्यानंद भगवान कब कृपा करेंगे? मेरे मन में जो विषय वासना है मेरे लिए तुच्छ हो जाएंगी। याद रखो, वो दिन सबके लिए आ रहा है, मेरे लिए भी और आपके लिए। पतन पहले आपका लिए आ जाएगा, मेरे लिए आ जाएगा। वैसे मेरी उम्र ही ज़्यादा, मेरे लिए ही पहले आएगा, पर आएगा ज़रूर। कौन सा दिन? संसार से जाने का। ये शिक्षा किसी ने नहीं दी, ये शिक्षा प्रभुपाद जी ने दी। प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त हैं भगवान के। हम जो संसार में लोग खो गए थे, भारत के लोगों को रास्ते पर लाने के लिए कृष्ण भगवान ने प्रभुपाद जी को भेजा। भारत के लोग हम क्या कर रहे हैं? विदेशियों की नकल कर रहे हैं, विदेशी बन रहे हैं। भाषा हमारी बदल गई, खाना पाना बदल गया, ये शुरू क्या हो गया, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड शुरू हो गया। ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये विदेशियों की सभ्यता है। अंग्रेजों ने 200 साल राज किया, प्रभुपाद कहते हैं भारत को बड़ा बर्बाद किया उन्होंने। फिर जब देशी अंग्रेज आए, वो उनके भी गुरु निकले, जिन्होंने 60 साल तक राज किया, उन्होंने बस भारत की हालत खराब कर दी। तो हमारी पूंजी क्या है? हमारी संस्कृति, ये धर्म, सनातन धर्म जो लुप्त हो रहा था, जो प्रभुपाद ने इसकी स्थापना की। तो हमें अपने मन को नित्यानंद भगवान की कृपा से विषय विकारों से हटाना है। नित्यानंद भगवान जो आदि गुरु हैं, गुरु तत्व, प्रभुपाद गुरु हैं, प्रभुपाद कृपा से परंपरा के माध्यम से आदि गुरु नित्यानंद भगवान के पास पहुंचना है। और नित्यानंद हमें गौरांग महाप्रभु से और राधा कृष्ण से मिलाएंगे। जैसे एक भजन में एक भक्त गा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? दयाल निताई चेतन्य बोले नाचे रे अमर मन दया। दयाल निताई चेतन्य बोले नाचे रे अमर मन।
नाचे रे हमारा मन, नाचे रे हमारा मन, नाचे रे दयाल निताई चैतन्यावर, नाचे रे हमारा मन, हे मन दयाल तो नहीं है मार खाए प्रेम दए, हे मन दयाल तो नहीं है खाए प्रेम दए, अपराध दूर जावे पावे प्रेम धन, अपराध दूर जावे पावे प्रेम धन, कृष्ण नामे रुचि हवे गुचिवे बंधन, कृष्ण कृष्ण नामे अनुराग तो हवे है, कृष्ण अनायासे सफल हवे जीवे राजीवन, कृष्ण रति बिना जीवन तो मीठे है, कृष्ण रति बिना वृंदावन राधा श्यामे रे पावे दर्शन, दयाल निताई चैतन्या वाले नाचे रे हमारा मन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, सारे बोलो जोर से, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे जय गोविंद, जय गोविंद, जय गोविंद, जय गोविंद।
श्याम राधे श्याम राधे श्याम प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, सारे बोलो हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण महामंत्र की। प्रिय बंधुओं व माताओं, जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है, भगवान को पाना है, अपना आवागमन जन मन का चक्र समाप्त करना है। वो कैसे होगा कलयुग में? कलयुग चल रहा है, कलयुग में दोष ही दोष हैं। भागवत में भी सुखदेव महाराज कहते हैं, सुखदेव महाराज क्या कहते हैं, कलो दोषे निधि राजन अस्ति ही एक महान गुणा कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संगा परम ब्रजेत। ये राजन, ये कलयुग दोषों का खजाना है, इसमें दोष ही दोष हैं, बहुत दोष हैं, फिर कैसे कल्याण होगा हमारा। लेकिन इसमें एक महान गुण भी है। महान गुण क्या है? कीर्तना केवल कृष्णस्य, कीर्तना देव कृष्ण का नाम ही लेना, ये महामंत्र हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। कृपया याद रखो, देखो ये महामंत्र जो है कितना जपना चाहिए, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। हैं, क्या नाम तुम्हारा? हैं, गोपाल। तू निरंतर जपता है? खाली कह रहा है तो जपता हो तब कहना। ये नाम कितना जपना चाहिए। कोई कहता है सोलह माला, गोपाल कहता है निरंतर, वो जपता मरंतर होगा, नहीं जपता नहीं होगा। कितनी माला कहता है गोपाल? बारह, सोलह माला भी नहीं कहता, निरंतर महा नाम जपना है। तो ये मंत्र कितना जपना है? कोई कहता है सोलह, कोई कहता है निरंतर, कोई कहता है बारह, कोई कहता है चार। ये सुन लो सब, ध्यान रखना आपने। मेरे पीछे बोलो, इतना जप कर। सारे बोल रहे हैं, माता जी आप खड़ी क्यों हैं? बैठो बैठो बैठो, इधर आ जाओ, इधर बैठो बैठो बैठो, इधर बैठाओ माता जी को, कुर्सी खाली है यहाँ कोई?
करो जी बैठो। इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। देखो अगर कोई मैंने बुरा कर्म किया, आपने किया, इसने उसने किया, यमराज के पास नोट हो गया, उनके पास चित्रगुप्त हैं और पहले से बहुत बड़ा कंप्यूटर है उनके पास, सबका हिसाब रखा हुआ उन्होंने। तो आप जब इतना नाम जपेंगे तो यमराज कहेंगे भाई ये मेरा कस्टमर नहीं है, तो भगवान का हो गया। तो हमने भगवान का बनना, हम सभी भगवान के हैं और कृष्ण गोविंद हमारे हैं, तो हम गोविंद को भूल गए हैं। नित्यानंद चैतन्य हमको याद दिलाने के लिए आए हैं और नित्यानंद चैतन्य किसने दिए, जो हमारे हैं उनको याद करना है सबने। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, सारे बोलो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो करते हैं। मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा मेरा मैं हो रहा है, ये कुछ भी मेरा नहीं। स्त्री, पुत्र, धन दौलत, मकान, कार, बंगले दूर की चीज रही, ये शरीर भी मेरा नहीं है, मेरा नोएडा में होगा, ये शरीर कहीं भी मेरा नहीं है, ये शरीर शमशान की अमानत है, ये शरीर जल जाएगा। लेकिन हम भूल गए हैं, कृष्ण भगवान ने प्रभुपाद जी को भेजा है हमें याद दिलाने के लिए, हमारे भगवान हैं और कोई नहीं है। और याद रखो, इससे पहले वो अंतिम समय आए, वो आएगा। अंग्रेजी में कहावत है एज श्योर एज डेथ, मृत्यु निश्चित है। इससे पहले वो समय आए, हमें गोविंद की शरण में हो जाना है, गोविंद के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी है। और गोविंद के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपने के लिए नित्यानंद भगवान से सहयोग लेना है। यह विषय वासना है ना, पुरुष जो है स्त्री के चिंतन में लगा है, स्त्री पुरुष के चिंतन में लगी है, ये नित्यानंद भगवान हमारा मन यहाँ से हटाएंगे। इन्होंने नित्यानंद भगवान ने जगाई मधाई को शुद्ध किया था, ब्राह्मण थे महापाद की। तो प्रभुपाद कृपा से प्रभुपाद को कभी मत भूलना। और एक बात याद रखना, गोविंद को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए निष्काम भक्ति, क्या
कोई कामना नहीं। महाप्रभु ने क्या सिखाया, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कवितम बा जगदीश कामे मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे भवताद भक्ति अहितुभिद्रे। ओ ऑलमाइटी लॉर्ड, आई हैव नो डिजायर टू कम्युलेट वेल्थ, ना डू आई डिजायर ब्यूटीफुल वुमेन, ना डू आई वांट एनी नंबर ऑफ फॉलोवर्स। हे भगवान, हे सर्वशक्तिमान भगवान, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना कविताम। तो भाई क्या चाहिए आपको? मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे, जन्म पर्यंत जन्म प्रभो, क्या भवताद भक्ति अहेतु की तोई, मैं आपकी भक्ति तो करूं लेकिन बदले में कुछ नहीं। वो शुद्ध भक्ति है। हम लोग कोई मंदिर में गया तो कहे, हे भगवान, पहले तो मैं 10 पैसे चढ़ाता था, अब 10 पैसे मिलते ही नहीं, अब मैं 10 का नोट चढ़ा रहा हूँ, आपके तो भंडार भरे हैं, आप कृपा करके ज़्यादा नहीं तो मुझे 10 करोड़ नहीं 10 लाख का फायदा कर देना। अरे ये 10 करोड़ 10 लाख यहीं क्या यहीं रहेंगे, ये साथ में जाने वाले नहीं हैं। साथ में जाने वाला क्या है, जो कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो अमोलक धी मेरे सतगुरु, बस देखो ये भगवान का नाम जब सतगुरु से मिलता है ना तभी फलीभूत होता है। बहुत लोग नाम लेते हैं कोई लाभ नहीं, जब परंपरा में नाम मिलेगा। हमारे गुरुदेव ब्रह्म माधव गौड़िया वैष्णवदाय परंपरा में है, ये जो कृष्ण भगवान से चली आ रही है। तो मीरा भाई भी परंपरा में थी। बस तू अमोलक दी मेरे सतगुरु, भगवान का धन कैसा है, खर्चे न खूटे चोर न लेवे, खर्चे दिन दिन बढ़त सवायो, पायो दी मैंने राम रतन। सकी नाव खवेटिया सतगुरु, सतगुरु
गिरधर नागर हरक हरक जस गायो हरक Yeah.
हरि बोल जय जय प्रभुपाद सभी हाथ ऊपर करो और दो बार बड़ी लंबी ध्वनि करनी है हरी हरी बोल की। निताय गौर प्रेमानंदे हरि निताय गौर प्रेमानंदे हरि दो बार हरी हरी बोल एक बार नहीं निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अभी अभी सामने जंप लगाना है और छत थोड़ा दूर है पर कोशिश करनी है छूने की। हरि बोल 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 बोलो गौर हरि भगवान की बोलो नित्यानंद भगवान की बोलो राजा गोविंद भगवान की बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की बोलो जोर से नहीं बोलने वालों की बोलो जोर से बोलने वालों की हरे कृष्णा। कुछ कहना है आप आपने कुछ कहना है तो अभी बैठ जाइए सब नीचे। हरि बोल हरि बोल केवल 10 मिनट ज्यादा नहीं है ज्यादा नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो नित्यानंद भगवान की बोलो नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की। तो प्रिय बंधुओं व माताओं एक भक्त वैष्णव भक्त कह रहे हैं दयाल निताय चैतन्य वाले नाचे रे मारा मन। चैतन्य निताय इतने दयालु हैं। असल में नित्यानंद जो आज प्रकट हुए थे वो चैतन्य महाप्रभु से भी ज़्यादा दयामय हैं बहुत दयामय बड़ी दयालु हैं। तो हमने आज के दिन उनके श्री चरणों में यही प्रार्थना करनी है कि मेरे मन में जो विषय वासनाएं हैं मेरे मन में जो बुराइयां हैं खास करके जो स्त्री चिंतन मेरा मन करता है ये नित्यानंद भगवान मेरे मन को उससे हटा दो और अपने चरणों में लगा दो। हमारे आचार्य शिला लोचनदास ठाकुर कहते हैं परम करुणा पाहू दुई जना निताय गौर चंद्र परम सब अवतार सार शिरोमणि सब केवल
कंद कंद। सारे बोलो भजो भजो भाई चैतन्य नीताई, भजो मुखे बोलो हरि हरि, देखो ओरे भाई त्रिभुवने नाई, देखो भाई ए मन दयालु पाशन मीदरे पशु सुनी जरा गुन गाता, संसारे माजिया रोहिलिया पोरिया, संसारे गौर भगवान की। तो लोचनदास जी महाराज कह रहे हैं परम करुणा पाहु दुई जना, पाहु कहते हैं भगवान को बंगला भाषा में, ये जो दो भगवान हैं निताय गौर चंद्र ये बहुत दया में हैं, सारे अवतारों की ये सार हैं। क्यों? इनकी कृपा से भगवत प्राप्ति बड़ी सुगम हो गई है, आसान हो गई है। एक बार एक हमारे गुरु भाई ने प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद आप क्या चाहते हैं, हम क्या करें? प्रभुपाद कहते हैं तुम लोग कीर्तन करो, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करो और नृत्य करो, और जब थक जाओ तो प्रसाद लो। क्या परेशानी है? कोई परेशानी कोई नहीं, बड़ा आसान है भगवत प्राप्ति। तो यही गौ नेता ने प्रचार किया केवल आनंद कंद। फिर वो कहते हैं भजो भजो भाई चैतन्य निताई, मेरे भाइयों और बहनों माताओं सुदृढ़ विश्वास करिए, बड़े विश्वास से चैतन्य निताई का भजन करो, पर एक शर्त है। क्या? विषय छाड़िया, विषय विकारों का त्याग कर दो, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को छोड़ दो, नरकों में जाने वाली बात है। देखो विदेशियों की तरफ हम आकर्षित हैं, प्रभुपाद ने विदेशियों को भक्त बना दिया। विदेशियों में क्या है? बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, और दुर्गति है लोगों की, कोई सुख शांति नहीं, बड़े परेशान हैं। तो भारत में ये मत करो, बंद करो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, अपना अंदर त्याग भावना लाओ, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। तो शर्त है विषैया छाड़िया, विषय विकारों को छोड़ करके मुंह से हरि हरि हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा वो क्या है सुपंच हरे तो लोचनदास महाराज कहते हैं देखो ओरे भाई त्रिभुवन नाई मेरे भाइयों तीनों लोकों में ऐसा दयालु कोई नहीं होगा। क्या भगवान की दया पशु पक्षी जुड़े जब भगवान झारखंड के जंगल से आ रहे थे गौर भगवान पशु पक्षी भी कीर्तन करने लग पड़े उनके मुखारविंद से नाम सुन करके। लेकिन लोचनदास जी महाराज जो भक्त बन जाता है ना वो विनम्र बन जाता है। हम में अहंकार क्यों है हम भक्त नहीं हैं तो कहते हैं संसारे माजिया रोहिलिया पौरिया सही पदे नाही लो आस अपना कर्म भूंजिया समन कहे लोचनदास। लोचनदास जी महाराज कहते हैं मैं क्या कहूँ कि मेरा आकर्षण ये महाप्रभु का जो हरे कृष्ण आंदोलन का है उसकी ओर नहीं हो रहा। मैं किसको दोष दूँ मेरे ही पाप कर्म हैं मुझे मृत्यु के जो देवता यमराज हैं वो दंड दे रहे हैं मेरा आकर्षण हरे कृष्ण आंदोलन की तरफ नहीं होने दे रहे। तो प्रिय बंधुओ ये हरे कृष्ण आंदोलन निष्काम भाव से भगवान का भजन करो चैतन्य निताय की शरण लो प्रभुपाद कृपा से निश्चित रूप से हमारा इस संसार से प्रायण संसार से जाना अच्छा हो सकता है। नहीं तो अगर अंतकाल में भगवान का नाम जीवा पर नहीं आया इधर उधर की बात आई तो वहीं जाना पड़ेगा। जैसे महाराजा भरत के अंत समय में हिरण का ध्यान हुआ उनको जब दुनिया का राज्य उन्होंने छोड़ दिया अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। तो इसलिए ये बड़ी रिस्की सिचुएशन है हमें अपना अंत समय अच्छा बनाना चाहिए। अंत समय अच्छा बनेगा भगवान राधा गोविंद की निष्काम भाव से निष्काम भाव से भगवान की सेवा कोई कामना नहीं। मेरे पीछे बोलो हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए हमें श्याम जी ओ हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए हमें श्याम जी हमें कृष्ण तुम्हारा देखो ये पैसे भी चाहिए पर पैसे यहीं के लिए आगे काम नहीं आएंगे आगे भगवान का नाम काम आएगा। जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है और ध्यान रखो जैसे मैंने पहले कहा इतना जप कर कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे हद कर दे तो आपने चलते फिरते उठते बैठते नाम जपते रहना है हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो प्रिय बंधुओं व माताओं कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समय ज़्यादा नहीं है। आप लोगों को भूख लग गई होगी लगी है नहीं ज़्यादा कौन हंस रहा है तुम ये बेचारे को खुद ही हंसता ही है क्यों तेरे को हंसी आ रही है तुम्हें। तो मैं आपका और ज़्यादा समय नहीं लूँगा यहीं अपने प्रवचन को विराम देता हूँ और आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और भगवान नित्यानंद के श्री चरणों में मेरी ये प्रार्थना है कि आपके मनों में या हमारे मनों में जो विषय वासनाएं हैं वो दूर हो जाएं और हमारे मनों में कृष्ण प्रेम का उदय हो जाए जागृत हो जाए और अंत में हम भगवान का नाम लेते हुए संसार से जाएं। इसी के साथ धन्यवाद हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न हो जो मैंने कहा आपके समझ में ना आया हो एक आध प्रश्न आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न नहीं
दाया बाया आगे पीछे। हे कृष्ण तुम्हारा श्री राम बहुत धन्यवाद करते हैं तीन बार हरिओम बोल करके। Thank you.